मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ लाइव। जिस तरीके से पूरे गोवंडी के आसपास के एरिया की मैं चीज़ें और अपडेट आपको देता हूं, आज मैं फिर 135 नंबर के वार्ड में खड़ा हूं जो कि एमएस वार्ड के अंदर आता है, और किस तरीके से जो मैं हर बार जो है झोल जो चल रहा है गोवंडी में, जो बीएमसी के अधिकारियों के द्वारा चल रहा है, बीएमसी के लोगों को द्वारा चल रहा है, उन चीज़ों के झोल जो है मैं खोलने के लिए हमेशा से ही ऑनलाइन हमेशा आता रहता हूँ। मैं खड़ा हूँ शिवाजी नगर के जो मंडाला का एरिया आता है, 135 वार्ड नंबर में मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर यहाँ पे जो लास्ट जो एक्स कॉरपोरेटर थी यहाँ पे समीक्षा शिवसेना से जो कॉरपोरेटर थी, समीक्षा साकरे करके जो कॉरपोरेटर थी, अब वो कॉरपोरेटर नहीं है। और यहाँ पे जो है जो मैं इसलिए आया हूँ कि यहाँ पर एक कपूर ट्रेडिंग कंपनी है जिसको यहाँ का काम करने के लिए मिला था, और किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है वो आप देख सकते हैं। तो 135 नंबर का वार्ड है, यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे तो लेफ्ट में आपको शिवनेरी पड़ेगा और ये मंडाला का एरिया पड़ता है। 135 नंबर का वार्ड है और 135 नंबर के इस वार्ड में किस तरीके से काम हो रहा है, ये झोल का पोल खोल हम लोग दिखाने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। कपूर ट्रेडिंग करके कंपनी है जिसको इसका टेंडर मिला हुआ है, और इस टेंडर के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये जो करीब 200 से 250 मीटर का ये नाला है जिसको बनाने का काम है। लोगों की यहाँ पे स्थानीय लोगों से बात करने के बाद ये पता चला है कि कई टाइम से इसको खोद करके रखा हुआ है और बहुत सारे बच्चे भी इसमें गिरे और अब इसका काम चालू है। अब इसमें करना क्या था, इसमें करना ये है कि साइड वॉल जो है इस गटर की, जो ड्रेन की जो साइड वॉल है, इस साइड वॉल्स को रिपेयर नहीं करना है, इसको बनाना है। बनाने के बाद इसके अंदर का जो पूरा कचरा है वो बाहर निकालना है, बाहर निकालने के बाद इसको प्रॉपर तरीके से बंद करना है। तो देख ही रहे होंगे कि कितनी प्रॉपर तरीके से ये जो कपूर ट्रेडिंग करके काम करे, यहाँ के जेई है अमित बाबर करके जो जेई है, कंटिन्यूसली मैं एसडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से है जो कांजूर मार्ग में है, और कंटिन्यूसली मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, उनको मैंने मैसेज भी किया कि आप साइट विजिट करें और जो कपूर ट्रेडिंग कंपनी के लोग काम कर रहे हैं वो उस पर ध्यान दें कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। लेकिन अमित जो है, अमित बाबर जिनका नाम है जेई, वो फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। उसकी वजह यही है कि आप जानते होंगे कि किस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसको टेंडर मिलता है वो और बीएमसी अधिकारी दोनों मिलकर किस तरीके से लोगों को चूना लगाने का काम करते हैं। यहाँ पर शोर हो रहा है क्योंकि आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति की वजह से यहाँ पर लोग जो है वो थोड़ा सा पूजा और भजन का काम कर रहे हैं, तो इसीलिए ये आवाज़ आएगी, थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो देखिए ड्रेनेज आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये ड्रेन को पूरा साफ़ करना है, इसमें से पूरी मट्टी कचरा निकालना है, साइड वॉल जो है उसको बनाना है, और साइड वॉल को बनाने के बाद इसको जो है इस तरीके से आरसीसी से इसको पैक करना है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोगों ने काम किया हुआ है, ये आप देखिए इस तरीके से। तो ये बीएमसी का जो फंड है उसका इस्तेमाल बहुत प्रॉपर तरीके से ये जो कपूर ट्रेडिंग कंपनी है ये कर रही है, और मट्टी जो है अभी इसमें क्या कर रहे हैं कि इस तरीके से इसको ढापा डाल के बंद किया जा रहा है। वहाँ से बताओ थोड़ा सा, आ जाओ इधर पे। लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि पूरे गोवंडी शिवाजीनगर में एम ईस्ट वार्ड के अंदर खाली जो इस वाला जो पट्टा है गोवंडी के वेस्ट का एरिया है, क्यों बीएमसी अधिकारी जो है ना इस तरीके से झोल करते हैं, दोनों बटोर के घर ले आते हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी बीएमसी अधिकारी भी। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये लाइव वीडियोस और फोटोज़ दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ड्रेनेज को साफ तक भी नहीं किया गया है, और साफ तक भी नहीं किया, और देखिए आप किस तरीके से आरसीसी से इसको पैक कर दिया गया है। शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को, वही वो लोग जो गोवंडी के शिवाजीनगर के एरिया में रहते हैं, जो आसपास के रहते हैं, जो बीएमसी के चीज़ों को दिखाते हैं। तो ये जो है इस तरीके से ये भी पूरा बना दिया गया है, इसको बिना साफ किए हुए, बिना कुछ करे हुए ढापा देखिए आप इस तरीके से रख दिया हुआ है। अब ढापा भी आप कितना अच्छा लगा हुआ है, अब देखो ये सेट कैसे होगा, इसके अंदर तुम्हारा जो उसका जो ढक्कन है वो जो नीचे का जो उसका ये है वो छोटा है, ढक्कन बड़ा है ऊपर का। हाँ, ये दूसरा आ गया। क्या बोले? ये अभी फिश नहीं किया, धापा दूसरा मंगा रहा हूँ। हाँ। ये दूसरा आएगा धापा, ये वहाँ भी वैसे रखा हुआ, यहाँ भी वैसे रखा। नहीं, अभी ऐसे टेम्परेरी, ये नाप में ना बड़ा आ गया है, इसलिए अब कंपनी वाला बोला चेंज कर देंगे, अभी दूसरा धापा आएगा उसका फ्रेम का। वर्क ऑर्डर कॉपी है तुम्हारे पास? तो सेट लोग के पास है, हम लोग तो तुम बिना वर्क ऑर्डर कॉपी देख के काम कैसे कर रहे हैं, जब तुमको पता ही नहीं कि करना क्या है? तो करना क्या, सुपरवाइजर लेके आएगा ना, कंपनी का सुपरवाइजर रखा ना। सलिया कौन सी डालनी है इसमें? 12 का। 12 mm का पेपर पे देखा था आपने कि बीएमसी ने क्या लिख के दिया है? वो तो उतना हमको मालूम नहीं है, सेट जो बीएमसी बोलेगी, जो लिख के दिया है बीएमसी वही ना काम करोगे तुम। तो बीएमसी लिख के देगा तो जो हमारा कंपनी का जो सुपरवाइजर सेट लोग है वो लोग जैसा बोले। क्या नाम है कंपनी का?
कपूर, कपूर कपूर ट्रेडिंग कंपनी नाम में बता रहा हूँ, कपूर ट्रेडिंग कंपनी नाम में। तो बिना वर्क ऑर्डर कॉपी देख के आपने ये काम कर दिया? नहीं है, कॉपी तो है ना सर। कहाँ है, लाओ बताओ ना मुझे। पास नहीं है, सेठ लोग का पास है। सेठ लोग का पास है, तो बिना पेपर देखे कैसे काम कर रहे हो आप? आपको क्या पता है क्या डालना है, कैसे बनाना है, क्या काम? कंपनी सुपरवाइजर रखा ना, दो करके सुपरवाइजर बताएगा, हम काम करेंगे। जैसा हम लोग के मजदूर आदमी, हम लोग काम करने वाला है। अच्छा, मतलब कॉन्ट्रैक्टर ने आपको काम दिया, आप काम करेंगे। चलिए ठीक है। तो अब देख रहे हैं आपके बिना वर्क ऑर्डर कॉपी के बस आंख मूंद कर जो काम किया जा रहा है। ढापा तो अभी बता रहे कि चेंज, लेकिन पूरे इस रास्ते पे, मेरे साथ आ जा, पूरे रास्ते के ऊपर जो है ना इसी तरीके से ढापा डाला हुआ है। ये जो नीचे का जो उसका जिसमें वो बैठना चाहिए वो अलग है, ऊपर का ढापा अलग डाल दिया हुआ है। हर जगह पर यही काम किया हुआ है लोगों ने। देखिए यहाँ पर भी वही काम है, यहाँ पर भी वही काम है कि ढापा अलग और इसके ऊपर का ये अलग इस तरीके से। इसको साफ किया था क्या पूरा खाला, गटर साफ हुई थी उसके पहले? जब वो कर रहे थे तो गटर साफ किए थे। ये थे साफ, तो दोनों जगह का दीवार वगैरह बनाए हैं इसका? हाँ बना हुआ है, बाकी का तो दीवार आगे का पूरा बना नहीं हुआ है। साइड का इधर का दीवार बनाना है, अंदर का जो बनाए नहीं इन लोग ने। नहीं उधर को नहीं बात कह सकते, बाकी हमारे इधर तो पूरा जो ना तोड़ के बनाए थे, क्योंकि नीचे नीचे का दीवार, नीचे का जो दीवार, ये दीवार नहीं बनी है, नीचे का दीवार नहीं बना है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो अंदर की जो दीवार थी ना, वॉल साइड की जो दीवार थी, वैसे का वैसा ही रहे। ये जो आप बोल रहे हैं, ये जो लगाए हैं इन लोग ने, ये लगाए ना, ये नहीं बोल रहा मैं। इसके अंदर एक दीवार होती है, दो दीवार होती है उसकी और इसकी। नहीं बनी, मतलब अभी आगे आया हूँ। सही काम कर रहे नहीं, अभी मतलब अभी आया, अभी आया, कल की रिपोर्ट निकालता हूँ क्या है क्या नहीं। कल मैं तो अभी आज ही आया हूँ बम्बई, अभी गाँव से था, आज आया, कल आके मिलो मेरे को, मैं तुमको सब रिपोर्ट देता हूँ, यहाँ का पूरा बताएंगे। हाँ सब पूरा ए टू जेड, आपका आपका कार्ड देके जाओ, मैं कार्ड देके जाता हूँ आपको आज आ गया। तो ये ड्रेन के ढक्कन सबके दिखाना, ड्रेन के देखो आप किस तरीके से जो साइज का लगना चाहिए था वो एक के ऊपर एक डाल दिया। अब चलते हुए लोगों को जो है ये लगेगा, ये पूरा इसके ऊपर ये ड्रेन का इस तरीके से। अब उसके अलावा जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर ड्रेन शिवनरी नगर का ये रोड है, इसमें यहाँ पर जो है यहाँ पर बॉक्स ड्रेन बनाना है। तो यहाँ पर तो चलो यहाँ पर देखिए इस तरीके से उस इलाके से वहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा ये काम करना है, जिसमें बॉक्स ड्रेन बनाना है और बॉक्स ड्रेन बना के इसको ऊपर से आरसीसी से बंद करना है। ये मेरी अभी जो मैं अपडेट ये दे रहा था, ये सिर्फ थोड़ी सी अपडेट इसलिए थी कि जो काम कर रहे हैं जो अधिकारी, जो बीएमसी के लोग काम कर रहे हैं, और ये जो झोल का काम कर रहे हैं गरीबों के एरिया में, जहाँ पे डेली पे मजदूरी करने वाले जो लोग रहते हैं उनको यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ मैं तो कैमरे से दिखाओ, साइड वॉल बनाने का था, साइड वॉल बनाना किस तरीके से, देखो सहारा दे के खाली वहाँ पर सीमेंट और यहाँ पर सीमेंट डाल करके इसको उसको पूरा बंद कर दिया गया, और साइड में खाली वो डिवाइडर जैसे जो पिलर लगते हैं वो लगा दिया। दोनों की दोनों वॉल जो है यहाँ की बनाई नहीं गई, और ना ही इसके अंदर का जो है खाली ऊपर ऊपर का कचरा निकाल दिया गया, ड्रेन की जो मिट्टी है ड्रेन की मिट्टी तक नहीं निकाली गई। तुम लोग को क्या लगता है सही काम हो रहा है क्या? कौन बात कर रहा है, कौन रहता है यहाँ पे, सही काम कर रहे हैं लोग जो काम करने का था सब वो बराबर तोड़ के पूरा बनाए, खाली साइड साइड का ऊपर लगा दिया? नहीं ऊपर ऊपर तोड़ के तो बनाए, ऊपर ऊपर का खाली बना, मट्टी निकली एकदम भर भर के मट्टी, मतलब बच्चों को भी समझ रहा है कि यहाँ पे बीएमसी झोल कर रही है, यहाँ के अधिकारी झोल कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से इसको वीडियो को शेयर करना, और इसकी सेकेंड अपडेट मैं आपको फिर से दूंगा। यहाँ के जो जेई है जिनके देख रेख में ये बन रहा है, अमित बाबर नाम है, SWD से कनेक्टेड है, कपूर कंस्ट्रक्शन जो है, कपूर ट्रेडिंग कंपनी जो है वो इसको उसका टेंडर मिला हुआ है इसको बनाने के लिए। शिवनरी नगर का इलाका था, वार्ड नंबर 135 में मैं खड़ा था, यहाँ से आपको लाइव अपडेट दे रहा था। इसकी आगे की अपडेट की ज़रूर हम देंगे, और इसकी कंप्लेंट तक का जो विजिलेंस डिपार्टमेंट हो या बीएमसी अधिकारी तक का, इसको पूरी तरीके से पहुँचाने की कोशिश करेंगे।